ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से, जिसका शीर्षक है गीता का सार, श्लोक संख्या 42, 43 और उसके उपरांत 44 भी। भगवान श्री कृष्ण इन वचनों को अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। अनुवाद एवं तात्पर्य। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य। साधारणतया सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृता अभूम तथा अक्षय्यम हवई चातुर्मास्याजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थाई सुख के प्रति आसक्त हैं। 44वें श्लोक में भगवान आगे कहते हैं,
भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनो में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मिन्नात्मतत्त्व याथात्म्यम्, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुणवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः शितः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज इस तीसरे सत्र में हम भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में हमें अंततः क्या करने के लिए कह रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है और उस सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जो दो सत्रों में जो चर्चा की, उसमें पहले तो ये देखा कि मनुष्य जीवन किस प्रकार विशेष है अन्य सभी योनियों में, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारा अवसर है कि हम जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के इस कुचक्र और बहुत ही क्लिष्ट चक्र से निकल सकते हैं, निकल करके अपनी स्वाभाविक स्थिति भगवान श्री कृष्ण के की सेवा, प्रेममयी भक्ति सेवा की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह अवसर उपलब्ध है केवल मनुष्य योनि में। इसीलिए भगवद गीता पढ़ना, समझना और अपने जीवन में उसकी शिक्षाओं को पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ये हमने देखा। फिर दूसरे सत्र में, कल के सत्र में हमने देखा भगवद गीता के अंतर्गत सर्वप्रथम भगवान हमें संबंध ज्ञान देते हैं, हमारी पहचान क्या है, अर्थात हम कौन हैं, इस भौतिक जगत से हमारा क्या संबंध है, इस भौतिक जगत और हम सबके आदि उद्गम कौन है, अर्थात भगवान कौन है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, कैसे हम अभी वर्तमान इस जन्म मृत्यु के चक्र में गिर गए हैं, इस भौतिक जगत में कैसे हम आ गए हैं, किस कारण से हमें अलग अलग प्रकार के शरीर मिल रहे हैं, किस बात पर यह निर्भर करेगा कि हमारा अगला शरीर क्या होगा, और ये भी देखा कि मनुष्य जीवन में हमारी एक और संभावना है हमारे पास कि हमें कोई और भौतिक शरीर प्राप्त ना करना पड़े, हमारा अपना स्वाभाविक जो हम आत्मा हैं, जो हमारा दिव्य आध्यात्मिक रूप है, आध्यात्मिक इंद्रियां, आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, जिसके माध्यम से हम
भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो रूप स्वरूप हमको प्राप्त हो सके। ये सब हमने अभी तक चर्चा की और ये देखा विशेष रूप से कल के सत्र में कि वर्तमान जो हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं वो एक सपना है। ये मुख्य बिंदु था कल के चर्चा का। हम सभी एक बहुत लंबा सपना देख रहे हैं, हमारे परिपेक्ष में लंबा 50, 60, 70, 80 साल, और अलग अलग योनियां हैं। कुछ योनियां हैं जो 1000 साल तक भी जीवित रहती हैं, कुछ पेड़ हैं जो 5000 साल तक भी जीवित रहते हैं, लेकिन वो सब सपने हैं। और मनुष्य योनि में जो हमें सुख दुख अनुभव होते हैं वो ऐसे ही हैं जैसे कि अच्छा सपना और बुरा सपना। अच्छा सपना देखने पे हमें एक प्रकार का आनंद का अनुभव होता है, और जब बहुत खराब सपना देखते हैं तो दुख का अनुभव होता है। लेकिन क्योंकि वो दोनों ही सपने हैं, इसलिए अंततः वो सपने में अनुभव किया जाने वाला सुख और दुख क्षणिक होता है। सपने के टूटते ही वो सुख और दुख भी समाप्त हो जाता है और हम उसे नकार देते हैं कि ये सपना, उसका कोई महत्व नहीं होता है सपने का। तो ये बात, एक महत्वपूर्ण बात जो हमने कल समझने का प्रयास किया कि क्योंकि जो भी हम इस समय अनुभव कर रहे हैं सुख दुख के रूप में, वो शरीर और मन के कारण हो रहा है। क्योंकि आत्मा को भौतिक अनुभव ये नहीं होते हैं, आत्मा आध्यात्मिक है। जैसा कि भगवद गीता में हमने कल देखा, भगवान कहते हैं ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, लेकिन जब हमको कोई मारता है तो हमें दुख होता है। तो लेकिन आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता है, आत्मा को तो कोई ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध, ये तो आत्मा के गुण नहीं है, ये तो सब भौतिक मन के गुण हैं। तो फिर हमें क्यों ये सब अनुभव हो रहे हैं? क्योंकि हम सपने की तरह से अपने को ये भौतिक मन मैं हूँ, ये भौतिक शरीर मैं हूँ ऐसा मान लिए हैं, इसलिए भौतिक मन और भौतिक शरीर में जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं उसको हम अपने अंदर होने वाली क्रियाओं को मान लेते हैं, इसलिए हमें वो सुख दुख की अनुभूति होती है। जैसे कि सपने में, सपने के अंदर जो हम एक व्यक्ति को देखते हैं, हम सोचते हैं मैं हूँ, ये मैं सपने में, ये मैं हूँ, और इस प्रकार से सपने में घटने वाली घटनाओं से हम प्रभावित होते हैं सुख या दुख के रूप में। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक हम कृष्ण भावनामृत में नहीं आते, हमारी चेतना पूरी तरह से कृष्ण के सेवक के रूप में पुनर्स्थापित नहीं होती, तब तक हम सभी इसी प्रकार से सपने देख रहे हैं। बुरा सपना, कभी अच्छा सपना, बुरा सपना, और सब ये क्षणिक है, और इस प्रकार से हम देखते हैं सुख दुख आते जाते जाते रहते हैं, लेकिन हम इन सुख दुखों को ही बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, ये सपने को हम बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, और इसलिए हमारा चिर समय से ऐसे ही हम सपने देखते देखते सोए जा रहे हैं, जागृत नहीं हैं। तो आज हम देखेंगे कि अभी इस स्वप्न से जगने का तरीका क्या है। स्वप्न से जगने का तरीका शास्त्रों में भगवान ने हमें क्या दिया है, क्योंकि भगवान ने ही सृष्टि का सृजन किया है, हम भगवान ही हमारे परम पिता हैं, इसलिए वही हमें निकलने का रास्ता भी दे सकते हैं। हम अपने आप से निकलने का रास्ता नहीं बना सकते हैं, जैसा कि भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि मेरी माया शक्ति को लांग पाना असंभव है, केवल जो मेरी शरण में आता है वही इसे लांग पाता है। तो इसलिए हम भगवद्गीता से, भगवान से सुनने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इस सपने से बाहर निकलें, अपने वास्तविक जीवन कृष्ण के साथ संबंध को कैसे प्राप्त करें। तो उसमें सबसे पहले तो मन के अंदर ये प्रश्न आता है कि आप कह रहे हैं कि हमें भगवत धाम जाना है, भगवान के साथ कृष्ण प्रेम और भगवान की सेवा करना, और शास्त्रों में भगवान ने उसका रास्ता बताया, लेकिन हम तो देखते हैं कि वेदों में बहुत जगह पर शास्त्रों में बताया है कैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, बहुत सारे अनुष्ठानों का वर्णन है, ये अनुष्ठान करने से ये सुख प्राप्त होगा, पुत्र प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा,
कितने सारे ऐसे श्रुति स्मृति में इस प्रकार से अंश हैं, श्लोक हैं, और सामान्य रूप से जो सनातन धर्मी हैं ज़्यादातर वो सब तो इन्हीं का अनुसरण करते आए हैं। हमारे घरों में सब जगह बहुत सारे नियम हम पालन करते थे, अभी तो वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन करते थे। श्राद्ध है, शुचि के नियम हैं, खान पान किसके साथ बैठना है किसके साथ नहीं बैठना है, हर चीज़ में विचार होता था कि पाप क्या है पुण्य क्या है। सही बात है। और वो पाप और पुण्य का विचार का अर्थ क्या है कि पुण्य करेंगे तो सुखी रहेंगे, पाप करेंगे तो दुख भोगेंगे। तो बचपन से सामान्यतया जो हम तथाकथित हिंदू धर्म की बात करते हैं तो सभी लोग इसी प्रकार से ही उनका लालन पालन होता है। बचपन से वो यही देखते आते हैं, मंदिर में जाना है, अलग अलग उत्सव मनाने हैं, और हर एक जगह पर विचार है पाप पुण्य। यहाँ तक कि भगवद गीता का भी पाठ होगा, कोई व्यक्ति अगर मर जाएगा तो 15वें अध्याय का पाठ होगा, विष्णु सहस्र नाम पढ़ा जाएगा, और उधर दुर्गा पूजा आई तो देवी की पूजा होगी और शिव जी की पूजा होगी। अलग अलग प्रकार के देवी देवतागण हैं, सबके अलग अलग पूजा के दिन हैं, महोत्सव मनाए जाएंगे, उनको अलग अलग चीज़ें अर्पित की जाएंगी, और ये हमारे दिनचर्या में और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हुआ करता था, अभी धीरे धीरे सब खत्म। अभी एक ही धर्म है पैसा कमाना, बाकी सब धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। एक ही नियम है पैसा कमाना है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो भी बचे कुछ अवशेष हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर तो हम देखते हैं कि वेदों में सब जगह पर यही बताया है कि फल श्रुति दी है, ये अध्याय पढ़ोगे ये करने से आपको ये प्राप्त होगा, ये सुख प्राप्त होगा, ये सुख प्राप्त होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि शास्त्रों में भगवान बता रहे हैं कि ये बहुत ही जगत अनित्य है, दुखमय है, इसको छोड़ना है, भगवत धाम आना है, तो ये सब भगवत गीता में दो चीज़ कैसे बताई गई हैं अलग अलग, दोनों बिल्कुल विरोधी चीज़ें कैसे हैं। इसीलिए प्रश्न उठता है कि ये इस्कॉन वाले जो कुछ बताते हैं पता नहीं, ये तो कुछ अलग ही फिलॉसफी बता रहे हैं, हम लोग भी तो कृष्ण की पूजा करते हैं, ये कौन से नई कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, इनका तो कुछ कृष्ण अलग जैसा ही है कुछ, तो पता नहीं नए नए नियम कुछ लेके आते हैं, नया नया कुछ बोलते हैं। भगवद गीता में हमने भी भागवतम सुनी है, आपके यहाँ तो आए दिन भागवतम चर्चा होती है, भागवत कथा होती है 7 दिन, और वो कथा और ये जो यहाँ पर कथा हो रही है बड़ी अलग लगती है ना। वहाँ वो जो भागवत कथा होती है उसमें तो ये सब कभी ऐसे सुनते नहीं है, वहाँ तो 7 दिन वो कथा होती है, उसमें रुक्मणी विवाह होगा और इस प्रकार से माखन चोरी और वो हंडी फोड़ना और एक एक दिन में अलग अलग होंगे, और उसमें फिर अंत में वो फल श्रुति होगी कि जो इस प्रकार से भागवतम बैठाता है वो जो है इतने सारे अश्वमेध यज्ञ करने के समान है, और उससे नित्य रूप से उसको स्वर्ग मिलेगा, उसकी संतानें सब जो हैं सुखी होंगी, और हम हर रोज़ आरतियाँ गाते हैं जय जगदीश हरे, चाहे वो गणपति जी की पूजा कर रहे हों चाहे शिव जी की पूजा कर रहे हों। आप उन सबके अगर वचन देखेंगे तो उसमें यही बातें आती हैं कि घर में संपत्ति आवे, सुख संपत्ति। सही बात है ना, सब जगह में यही पूजा है, चाहे शिव जी के पास जाएं, चाहे दुर्गा के पास जाएं, चाहे गणपति जी के पास जाएं, चाहे कृष्ण के पास जाएं, विष्णु के पास जाएं, चाहे दिवाली है कि होली है, तो ऐसा ही सब हम तो सुनते आए करते आए। लेकिन ये आप लोगों की जो भागवत कथा है ये तो कुछ इसमें तो ये उल्टा बोलते हैं कि ये सुख सब छोड़ो और भगवान की सेवा करो, तो ये क्या, ये दोनों विरोधी चीज़ें कैसे हो रही हैं, शास्त्र में क्या लिखा है, क्या है शास्त्र में क्या लिखा है, आप कहाँ से बता रहे हैं ये सब, क्या है ये सब। तो अब आप भगवद गीता कोई लीजिए, भगवद गीता में भगवान पहले बताए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं धर्म को स्थापित करने के लिए आता हूँ। ये श्लोक तो आपने सबने सुना होगा, तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, सही बात है। लेकिन फिर भगवान 18वें अध्याय में अंत में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्म छोड़ दो मेरी शरण में आ जाओ।
तो पहले धर्म को स्थापित करने की बात करते हैं, बाद में धर्म को छोड़ने की बात करते हैं, तो ये भी विरोधाभास है ना। एक ही भगवान कृष्ण एक ही पुस्तक में पहले धर्म पालन करो बोलते हैं, बाद में कहते हैं धर्म को छोड़ दो बोलते हैं, तो कैसे समझेंगे। तो इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, और शास्त्रों के मर्म को अपनी शुद्धि के स्तर के अनुसार हम समझ पाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग चेतना के अलग अलग स्तर पर हैं, मनुष्य योनि के अंदर हैं सभी हम जो यहाँ पर अभी इकट्ठे हैं, लेकिन उनके अंतर्गत भी या जो भी मनुष्य हैं सब, वो सब एक ही स्तर पे नहीं है चेतना के। इसलिए आप देख सकते हैं कि सबकी श्रद्धाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको कोई विश्वास ही नहीं है कि भगवान होते हैं, शास्त्र कोई बकवास, ये शास्त्र कोई भगवान के द्वारा लिखे गए नहीं है, कोई भगवान है ही नहीं तो भगवान लिखेगा क्या, ये तो सब ऋषि मुनि है या कोई व्यक्ति है जिन्होंने लिख दिया है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, जिनको ये विश्वास है, विश्वास नहीं है कि ये शास्त्र जो है भगवान के द्वारा दिए गए हैं, भगवान है नहीं, स्वर्ग नरक ऐसा कुछ नहीं, ये सब मनगढ़ंत है। बहुत लोग हैं ऐसा जो सोचते हैं, और कुछ लोग हैं जो पूरा विश्वास है नहीं, शास्त्र है, शास्त्र सही है, और भगवान को जो मानने वाले हैं, शास्त्रों को मानने वाले उनको आस्तिक कहते हैं। उनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग भेद हैं। कुछ लोग परम सत्ता निराकार है ऐसा विचार रखते हैं, अंततः परम सत्ता का कोई रूप नहीं हो सकता, कोई विशेषता नहीं हो सकती, वो तो निराकार ब्रह्म ज्योति है। लेकिन फिर शास्त्रों के आधार पर ऐसे मत वाले लोग भी हैं जो कहते हैं नहीं, परम सत्ता अंततः श्री कृष्ण है, राम है, विष्णु है, और उनका रूप तो भौतिक नहीं है, उनका रूप तो दिव्य है, तीनों गुणों से अतीत है, उनके गुण हैं लेकिन भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण है। तो क्या वेदों में विरोधाभास है, क्या वेदों में ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग ऋषियों ने लिख दी हैं, आपस में उसमें एकता नहीं है, क्या ऐसा है। और कई बार आप देखिए तो कुछ अन्य धर्म वाले लोग इस बात को लेकर के हंसते भी हैं कि देखो आपके धर्म में तो कभी यहाँ कुछ कहा है, कभी वहाँ कहा है, ऐसा सब गड़बड़ है सब, तो कैसे हम इसको समझेंगे। तो ये बात को समझना इसलिए जरूरी है कि वेद, वेद मतलब ज्ञान, जो सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सर्वप्रथम जो जीव की जो उत्पत्ति की, भगवान ने ब्रह्मा उनके हृदय में ये वेद की ध्वनि नाद के रूप में सबसे पहले प्रकट हुई, जो सूक्ष्म रूप है ओमकार का, उस सूक्ष्म ध्वनि से ओमकार ध्वनि अ उ म तीन अक्षरों का जो योग है वो प्रकट हुआ, और फिर ब्रह्मा जी के हृदय में, और फिर ब्रह्मा जी ने इस ओम की ध्वनि, ये जो ओम है ये साक्षात भगवान है, भगवान की सभी शक्तियां इस ओम शब्द में है, और इस ओम से फिर ब्रह्मा जी ने सारी वर्णमाला, सभी जो ध्वनियां हैं अ आ ई, ये सब ध्वनियों को विकसित किया, और इसके द्वारा फिर सारे वेदों को रचा। और इस प्रकार सृष्टि के आरंभ से जितना भी ज्ञान जहां कर भी है उसका उद्गम यदि है तो वो वेद ही है, और वेद कल्पतरु के समान है, अर्थात सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। इसलिए वेदों के अंदर, क्योंकि सभी की इच्छाओं को पूरी करने का कार्य वेद करते हैं, इसलिए लोग जिनकी अलग अलग इच्छाएं हैं अलग अलग स्तर पे होने के कारण, उनके लिए उनके स्तर के कारण अनुसार शास्त्रों में निर्देश दिए हैं, जिससे कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। लेकिन अंततः वेदों का
जो उद्देश्य है, परम उद्देश्य, भगवान का जो परम उद्देश्य है वेदों के द्वारा स्थापित इस सृष्टि के सृजन करने के पीछे, वो नहीं है कि लोग भौतिक इच्छाएं करते रहें और उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वेद उनको मार्गदर्शन देते रहें और इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों में भटकते रहें। ये वेदों का अंतिम उद्देश्य नहीं है। वास्तविक उद्देश्य वेदों का है कि जीव को ये जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिले और वापस सभी जीव अपने घर वापस आएं, भगवत धाम वापस आएं, भगवान को जो भूल गए हैं वो स्मृति वापस आए, भगवान के साथ जो उनका नित्य संबंध है उसमें वो स्थापित हों, भगवान को पूरी तरह जान करके। ये वेदों का अंतिम निष्कर्ष है, जैसा कि भगवद्गीता में भी स्वयं भगवान बताते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, अहम वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सभी वेदों के द्वारा एकमात्र लक्ष्य है मुझे जानना, श्री कृष्ण को जानना। और भगवान कहते हैं जो मुझे जान पाता है, यो माम वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। जो तत्वतः मुझे जान लेता है कृष्ण को, मेरे गुणों को, मेरे क्रियाओं को, मेरे उद्देश्य को, वो वापस इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, उसको दोबारा से शरीर नहीं ग्रहण करना पड़ता, वो मेरे धाम आता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति को लौट जाता है। तो आज का जो श्लोक हमने पढ़ा उसमें भगवान बता रहे हैं कि शास्त्रों में जो निम्न स्तर के चेतना के लोगों के लिए जो निर्देश दिए हैं उसका उद्देश्य क्या है और कैसे अल्पज्ञानी लोग उसी को ही वेदों का अंतिम उद्देश्य या परम शिक्षा मान करके भ्रमित हो जाते हैं। तो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्रों में दिया है भागवतम के अंदर। कभी कभी होता है कि छोटा बच्चा है, उसको कोई बीमारी हो गई है, उसको कोई दवाई देनी है और दवाई बहुत कड़वी है, ज़्यादातर दवाई तो कड़वी ही होती हैं, और छोटे बच्चे हैं तो स्वाभाविक है उनको तो पता नहीं है दवाई का मतलब क्या है, इसलिए उनको तो एक ही चीज़ दिखती है, कड़वी है, नहीं खानी है। अभी उनको वो दवाई किसी ना किस तरह से माता को देनी है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, शहद में मिला करके, चीनी में मिला करके बच्चे को देते हैं, ठीक है। बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटे ये देखो शहद खाओ, मीठा मीठा खाओ, उसको तो यही बोलते हैं ना, है ना। लेकिन वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या है माता पिता का, कि बच्चा दवाई खाए, लेकिन बच्चे को तो मीठा ही खाना है, इसे उसको बोलेंगे तुम मीठा खाओ, लेकिन वास्तव में हमारा उद्देश्य है कि वो दवाई ले और मीठे के बहाना बना करके हम उसे दवाई दे देते हैं जिससे उसका इलाज होता है। तो उसी प्रकार से वेदों में जहाँ पर स्वर्ग प्राप्ति के लिए ये अनुष्ठान करो, तुम्हारे पितर लोग सब पूर्वज सब खूब आराम से स्वर्ग में वास करें इसके लिए ये अनुष्ठान करो, पुत्र प्राप्ति करने के लिए ये करो और इस प्रकार से सुख भोगो, ये सब जो शास्त्रों में निर्देश हैं वो इसी प्रकार से वो जनता, वो लोग जो भगवान को शरणागत होने के लिए तैयार नहीं है, इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत को जाना मानना इसके लिए तैयार नहीं है, उनकी अभी चेतना इसी स्तर पे है, ये भौतिक जगत में सुख मनाना है, सुख चाहिए हमें, इस भौतिक जगत के अंदर सुख चाहिए, तो उन्हें फुसलाने के लिए भगवान ने शास्त्रों में ये कर्मकांड विभाग दिया है जिसमें अनुष्ठान करके अलग अलग भौतिक सुख प्राप्ति करने का निर्देश दिए हैं। आशय ये है कि अनुष्ठानों के माध्यम से वो लोग धीरे धीरे शुद्ध होंगे, कम से कम वेदों के अनुसार चलना शुरू करेंगे, आदेश मानना शुरू करेंगे, स्वच्छंद व्यवहार नहीं करेंगे, मनमाने ढंग से नहीं चलेंगे, तो एक कदम आगे बढ़ेंगे कि कम से कम स्वीकार किया कि यस भोग करने के लिए भी हम निर्भर हैं वेदों के ऊपर, कोई हमारे ऊपर कोई देवतागण है, हम उनके अंदर में हैं, स्वतंत्र नहीं है। और वेदों में ये जो अनुष्ठान है उसमें भगवान का नाम है, भगवान का नाम लेंगे,
धीरे धीरे इस प्रकार से भगवान का नाम लेते लेते शुद्ध होंगे और भगवद गीता का पाठ करेंगे पुण्य कमाने के लिए। और भगवद गीता के पाठ में ये वचन भी आते हैं, क्षीणम पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, ये स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जब ये खत्म हो जाएगा पुण्य कर्म फल तो वापस इसी भौतिक जगत में आ जाएंगे और ऐसे ही आना जाना चला रहेगा, कभी नरक भी जाना पड़ेगा बीच में। और वो कथा भी सुनेंगे वहाँ पर भागवतम के अंदर कि कैसे अलग अलग जो शास्त्रों को जानने वाले हैं कि नृग महाराज बहुत पुण्य करते थे, हाँ ये भागवतम में चर्चा आती है नृग महाराज की कि बहुत गाय दान देते थे पुण्य कमाने के लिए कि मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन गलती से एक दिन एक ब्राह्मण को गाय दी, वो उनमें से एक गाय वापस उनकी गौशाला में आ गई, अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को और बहुत सारी गाय दी, उसमें से वो गाय दोबारा से दान में दे दी अनजाने में, और वो दोनों ब्राह्मण को पता लगा, आपस में झगड़ने लगे, ये तो गाय राजा ने हमको दी है, नहीं हमको दी है, और राजा तक आए। अभी राजा को जब स्वयं में आया कि क्या गलती हो गई है, तो उसने क्षमा मांगी, आप दोनों इस गाय को छोड़ दीजिए और दूसरी 1000 गाय ले लीजिए, लेकिन ब्राह्मण लोगों नहीं हमें तो यही गाय चाहिए। तो राजा ना चाहते हुए भी उससे पुण्य कर्म करने चले थे, लेकिन पाप कर्म हो गया क्योंकि दान दी हुई चीज़ को कभी भी वापस नहीं लिया जाना चाहिए, वो पाप हो जाता है। तो उस पाप के कारण उनको छिपकली का की योनि मिली ऐसा, और फिर उससे कृष्ण भगवान के संपर्क आने से उनका उद्धार हुआ, जन्म मृत्यु के चक्र से आगे उनका उद्धार हुआ। इस प्रकार से अलग अलग वृत्तांत मिलते हैं। अजामिल की कथा सुनते हैं हम भागवतम में, जहाँ पर कि अनजाने में अब भगवान का नाम लेने से वो यमलोक जाने से बच गया और फिर हरिद्वार में गया और वहाँ पर भक्ति की और फिर भगवत धाम गए। तो इस प्रकार से पुण्य कमाने के लिए भागवतम सुनेंगे, लेकिन अगर भागवत सुनाने वाला सही व्यक्ति होगा, भगवत भक्त होगा, तो धीरे धीरे उनकी ये जो भ्रांत धारणा है वो कटेंगी कि इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है, वास्तव में हम कृष्ण दास हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे उन वो आगे बढ़ेंगे, ये जो कड़वी दवाई है, ये जो वास्तविक तथ्य है, ये धीरे धीरे उनके अंदर जाएगा। इस उद्देश्य से शास्त्रों में ये कर्मकांड बताया गया है। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ये श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद है। इस 11वें स्कंद में 21वां अध्याय है, भगवान कृष्ण द्वारा वैदिक पथ की व्याख्या, जिसमें भगवान ये पूरा वैदिक पथ की व्याख्या करते हुए कहते हैं, फल श्रुतिरियम नृणाम न श्रेयो रोचनम परम श्रेयो विवक्षया प्रोक्तम यथा भैषज्य रोचनम। फल प्रदान करने का वादा करने वाले श्रुति के वचन, श्रुति मतलब वेद, श्रुति के वचन मनुष्यों को परम कल्याण दिए जाने की संस्तुति नहीं करते, अपितु वे लाभप्रद धार्मिक कर्म करने के लिए प्रलोभन मात्र हैं। वो केवल प्रलोभन मात्र हैं, जिस तरह की बच्चे को लाभप्रद औषधि पीने के लिए फुसलाने हेतु मिश्री देने का वादा किया जाता है ना? तो यही बात जो हम आज के श्लोक में पढ़े, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मूर्खतावश अज्ञानी लोग ऐसा सोचते हैं कि वेदों में जो मैंने ये फुसलाने वाली बातें की हैं कि ये अनुष्ठान करने से स्वर्ग जाओगे, वो उसी को ही परम लक्ष्य मान लेते हैं। वो नहीं जानते कि ये जो मीठा खाने की बात है वो तो केवल एक बहाना है, वास्तव में दवाई देनी है, तो वो इसीलिए वो अल्पज्ञ है। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि शास्त्रों में जो अलग अलग जो कर्म कांड विचार के अंदर जो स्वर्ग जाने की बात है, वो केवल बिल्कुल आरंभिक चेतना के स्तर में जो लोग हैं उन्हें किसी ना किसी तरह से शास्त्रों के अनुसार कर्म करने में प्रवृत्त करने के लिए ये दिखाया गया है, बताया गया है, लेकिन ये वेदों का वास्तविक या परम लक्ष्य नहीं है। वेदों का परम लक्ष्य है जो भगवान भगवद गीता में अंत में बताते हैं। इसलिए भगवान पहले बोले कि धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से जब सबको सामान्य धर्म स्वर्ग की प्राप्ति इत्यादि अच्छा है, कम से कम पाप करने से। लेकिन भगवान के जो अंतिम संदेश है, सर्वोच्चम संदेश, भगवान भगवद गीता में 18वें अध्याय में कहते हैं, सर्व गुह्यतमं भूयः शृणुमे परमं वचः, अभी मेरा परम वचन सुनो। और फिर भगवान ये श्लोक बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन मना, हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो,
और मेरी पूजा करो, और जो भी मैंने अभी तक सकाम कर्म इत्यादि के बारे में शास्त्रों में जो भी कुछ बताया है या ब्रह्म में लीन होने को बताया है, वो सब को छोड़ करके परम धर्म अपनाओ। भगवान धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहते, पर सामान्य निम्न स्तर के धर्म को छोड़ करके परम धर्म अपनाने के लिए कहते हैं। तो परम धर्म क्या है, वो भागवतम में भी उसका उल्लेख किया है, जो भगवद्गीता में उल्लेख है, सवई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसीदति। क्या इसका अर्थ है, सभी लोगों का परम धर्म क्या है? ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था शुकदेव गोस्वामी को कि परम धर्म क्या है। ये जो वचन है ये सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि ने पूछा, और फिर आगे परीक्षित महाराज भी इसी प्रकार का प्रश्न करते हैं, तो उसके उत्तर में ये उत्तर दिया सूत गोस्वामी ने कि सभी लोगों का जो परम धर्म है वो है अधोक्षज श्री हरि श्री कृष्ण की सेवा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान अर्जुन को अंत में बताते हैं कि ये मेरा परम वचन है, ये परम धर्म है। तो धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहते भगवान, भगवान परम धर्म अपनाने के लिए कहते हैं। परम धर्म अपनाते ही फिर जो छोटे धर्म है जिसमें कि हमारा उद्देश्य स्वर्ग जाने का है उसको छोड़ना होगा। तो ये भगवत गीता की शिक्षा है कि हम भगवत दास हैं, हम भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम भाव है सेवा भावना है उसको पुनर्जागृत करना वो परम धर्म है, और यही भगवत गीता का समस्त शास्त्रों का यही मर्म है। इसलिए अभी तक हम कर्मकांड में फंसे हुए थे, कर्मकांड करते आए हैं, कर्मकांड भी नाम का रह गया है वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अभी एक ही कांड है मनी कांड, पैसा कमाना, बाकी सब चीज़ें गौण हो गई हैं। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं एक्चुअली उस चर्चा से भी ज़्यादा जरूरी चर्चा तो ये है कि पाप कर्म करना बंद कीजिए। कर्मकांड तो बहुत ऊँची चीज़ होती है, कर्मकांड करने में इतने पुण्य हैं, इतनी सटीकता से पालन करने होते हैं। हम अगर कर्मकांड की बात करें, इतने सारे संस्कार हैं, गर्भदान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों को सटीकता से पालन करना, और पालन करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति कम से कम ये चार महापाप से तो पहले छुटे। ये शास्त्रों के अंदर सबसे बड़े चार महापाप बताए गए हैं, व्यभिचार, मांस भक्षण या मछली सब कुछ, फिर मद्यपान सेवा जिसमें शराब के अलावा चाय कॉफ़ी भी मद्य सेवन ही है क्योंकि उसमें भी नशा है, और जुआ नहीं खेलना, ये चार महापातक महापाप हैं। तो आज हम कहाँ कर्मकांड की बात कर रहे हैं, आज हम लोग तो पहले ये अधर्म करने से छोड़ना होगा। सभी के जीवन में ये चार महापाप घुसे हुए हैं आज, स्मार्टफोन सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रेरित करता है हमें, सारे एडवर्टाइजमेंट सारी मूवीज आप थोड़ा विश्लेषण करके देखिए, ये चार प्रकार के पाप करने के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं, और हम अधिकतर लोग चार नहीं तो तीन नहीं तो दो नहीं तो एक पाप कर्म में लिप्त हैं। तो इसलिए भगवद गीता का संदेश तो बहुत ऊंचा है, और निश्चित रूप से भगवान की शरण में जो जाता है जो भगवद गीता को समझता है स्वाभाविक रूप से वो पाप कर्म करने से निकल जाता है। तो ये एक विनम्रता सहजता की जरूरत है कि हम भगवद गीता को समझ करके सबसे पहले तो कम से कम ये पाप कर्म करने से बाहर निकलें। हम ब्राह्मण हैं अगर तो हमें गर्व होता है कि हम ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है ब्राह्मण के गुणों का भी, ब्राह्मण के लक्षणों का भी, शमो दम तपः शौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञान मासिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। तो सबसे पहला है शमो दमः, इंद्रिय संयमन और मन पर निग्रह। तो अगर हम अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं
तो पहले अपने देखना चाहिए क्या हमारे जीवन में हमारी इंद्रियां क्या हमारे वश में है, क्या मन हमारा वश में है। तो कहां पर ये जीवा संतुष्टि के लिए जीव हिंसा और कहां पर हम ब्राह्मणत्व की बात कर रहे हैं, आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, शास्त्रों में अटूट विश्वास और उनके अनुसार जीवन चलना, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध इन सब के ऊपर विजय प्राप्त हो, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। सनक सुजाता में 12 गुण बताए हैं जो भगवद गीता में सार रूप में बताए हैं। तो कहां पर हम वो सब संस्कार पालन कर रहे हैं और कहां हमारे अंदर वो सब गुण हैं, चाहे क्षत्रिय ले लीजिए चाहे वैश्य ले लीजिए शूद्र ले लीजिए। शूद्र के लक्षण आप पढ़ेंगे शास्त्रों में तो हम सबको शर्म आ जाएगी। भागवतम में सप्तम स्कंद में 4 वर्णों के गुणों का वर्णन है, उसमें शूद्र के गुण का भी वर्णन है, आप पढ़िएगा। हमारी जो भागवत कथाएं होती हैं उसमें ये सब वर्णन नहीं आते हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है सुनना। रास लीला से सुनना के उसको सुनने से ज्यादा हमारे लिए ये चीज सुननी जरूरी है कि हम ये पाप कर्मों में लिप्त हो रहे हैं, हम इस भौतिक जगत की आसक्तियों में पड़े हुए हैं, ये सुनना हमारे ज्यादा जरूरी है। तो मनोरंजन करने के लिए हम वो रासलीला सुनते हैं जिसके हम अधिकारी नहीं है। हम क्या समझेंगे रासलीला को, हम क्या समझेंगे राधा और कृष्ण के संबंध को, जब हम यहाँ पर काम वासना से पीड़ित हैं, मांस मछली खाने में पीड़ित हैं, चाय पीने में आदि हैं, हम क्या राधा और कृष्ण को समझेंगे। तो इसलिए भागवत सप्ताह तो ये होना चाहिए जिसमें हमें पहले बताया जाए कि आप कौन हैं, हम कौन हैं, पहले ये तो समझें, फिर जानेंगे कृष्ण कौन है और फिर जानेंगे राधा कौन है। श्रीमती राधा रानी को समझना अशुद्ध बुद्धि से और ये सब पाप कर्म करते संभव नहीं है। उनके ये जो पवित्र संबंध है लीलाएं हैं उसको इस प्रकार अशुद्ध बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसलिए जहां भागवत में 10 स्कंद में इन अंतरंग लीलाओं का वर्णन है वहां पर बताते हैं कि अगर इन लीलाओं को सुनते ही आपके हृदय में काम वासनाएं जागृत हो तो आप समझ लीजिए आप इसके अधिकारी नहीं है, बंद कर दीजिए पढ़ना। तो ऐसे सब वर्तमान काम वासना के युग में हम कहां ये रासलीला सुनेंगे। पहले पाप कर्म करना छोड़ें, पहले मनुष्य तो बने बंदर से। अभी तो हम बंदर जैसे नकल कर रहे हैं सब, कपड़े भी पहनना नहीं आता, कम से कम कपड़े पहन रहे हैं, अधिक से अधिक अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, बंदर हैं, और हम सोचते हैं कि हम रासलीला को सुनेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है कि हम मनुष्य बने, एक सज्जन व्यक्ति एक सज्जन नारी बने, सत नारी बने। और भगवद गीता के माध्यम से अपनी आधारभूत स्थिति को समझें, क्रमिक रूप में धीरे धीरे प्रगति हो और विशेष रूप से ये जो कलयुग है उसके अंतर्गत ये जो महानतम लक्ष्य है भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, निम्न से निम्न हम जैसे व्यक्तियों के लिए भी वो सुलभ बनाया गया है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, जिन्होंने हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का प्रादुर्भाव किया 550 वर्ष पहले। और 550 वर्ष पहले हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से उन्होंने बंगाल से शुरू करके पूरी एक संकीर्तन लहर का को आरंभ किया, जिससे सैकड़ों हजारों लोग निम्न अवस्था वाले लोग भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाए। ये हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटना भी है जो हमारे इतिहास के पन्नों में भी आधुनिक इतिहास में भी लिखी है, शास्त्रों में तो है ही, शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी है। तो ये जो इस्कॉन संस्था है ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आ रही है, ये उन आचार्यों की परंपरा है जो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भक्त रूप में कलयुग के अंदर ब्रह्मा के दिन में एक बार प्रकट होते हैं और वो शुद्ध कृष्ण प्रेम, वो स्वयं कृष्ण है लेकिन भक्त के रूप में कृष्ण भक्ति करना सिखाते हैं कलयुग के जीवों को। निम्न से निम्न स्तर के लोग हैं कलयुग में लेकिन उनको महानतम वरदान देते हैं कृष्ण प्रेम का, इसलिए उनको महावदान न्याय अवतार कहते हैं। तो ये जो इस्कॉन संस्था है ये शास्त्रों पे आधारित विज्ञान दे रही है। नहीं क्यों लगती है हमको, क्योंकि हम शास्त्रों के
एक स्तर तक ही आज तक पालन करते आए हैं कर्मकांड को, अनुष्ठान करना सुखों की प्राप्ति के लिए। और अभी जब साइंस की प्रगति हो गई है तो फिर साइंस बोलती है भाई सुखों की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान क्यों करना है, हम आपको सुख की प्राप्ति के लिए आधुनिक चीजें बना बना के दे रहे हैं, तो अनुष्ठान सब भूल जाओ, इसलिए लोग नास्तिक बन जाते हैं। आप मंदिर में हम पहले जाते थे, अनुष्ठान करते थे, व्रत करते थे, चतुर्मास्य व्रत कर रहे हैं चार महीना, किस लिए? भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। वैज्ञानिक कहते हैं मूर्ख हैं आप लोग, चार महीने कष्ट झेलते हैं, तुरंत सारे सुख ले लो, सब मजा यहीं करो, यहीं पे हम आपको स्वर्ग दे देंगे। आप क्या मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने की बात करते हो, तात्कालिक इंस्टेंट स्वर्ग यहीं के यहीं आपको स्वर्ग दे देंगे हम लोग, और आपको चंद्रमा पे ले जाएंगे। आप क्या ये सोम यज्ञ कर रहे हो और चंद्रमा पे जाने के लिए अनुष्ठान कर रहे हो, हम आपको एयरप्लेन में बैठाएंगे, स्पेस क्राफ्ट में बैठाएंगे और आपको चंद्रमा पे ले जाएंगे। तो ये सब लोग सुन करके फिर धीरे धीरे हम लोग सोचते हैं अभी ये साइंस लगता है, ये तो वेदों से ही आगे निकल गया, भगवान को पीछे पछाड़ दिया, साइंस ही हमारा भगवान, साइंटिस्ट को सलाम, है ना। और इसलिए फिर धीरे धीरे मंदिर जाना बंद, अनुष्ठान करना बंद, और सभी बच्चे हमारे धीरे धीरे स्कूल भेजते हैं हम लोग, हमारा धर्म समझते हैं परम धर्म बच्चों को स्कूल भेजना। और फिर बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर साइंस सीखते हैं और वहाँ पर ये चीज़ सुनते हैं कि हमारे पूर्वज पागल थे, अंधविश्वासी थे, पिछड़े हुए थे, आज जमाना बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और हमारे पिताजी दादाजी जितना पीछे जाओगे उतना ही ज़्यादा पिछड़े हुए थे, उनको बुद्धि नहीं थी, हम तुमको बुद्धि दे रहे हैं, ये तुम्हारे ये सब ग्रंथ बकवास हैं, देखो साइंस है, साइंस सब कुछ चमत्कार करके दिखा रही है, यही सत्य है। तो फिर घर बच्चे जब आते हैं, माता पिता बोलते हैं बेटे बड़ों को प्रणाम करो, तो बच्चे पूछते हैं प्रणाम करने से क्या होगा, बताओ उनको साइंस, साइंस की दृष्टि से बचाओ, प्रणाम करने से क्या होगा। तो माँ बाप कहे इसका कोई जवाब तो है नहीं उनके पास, क्या होगा। तो बच्चे बोलते हैं फिर हम आपको तब तक प्रणाम नहीं करेंगे जब तक आप उनको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तो फिर प्रणाम करना छोड़ देते हैं, बात मानना बंद कर देते हैं। हम बोलते हैं बेटे ऐसे कपड़े क्यों पहने हो, तो बोलते हैं ऐसा कपड़ा पहनने में क्या प्रॉब्लम है, साइंस की दृष्टि समझाओ, एंजॉय करना है लाइफ को, आप भी एंजॉय करना चाहते हो, आप स्वर्ग जाना चाहते हो, तो ये हम ऐसे एंजॉय करना चाहते हैं, आपको क्या समस्या है, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। इस तरह से धीरे धीरे पूरी संस्कृति का नाश होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि संस्कृति की जो चरम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, वो हम भूल रहे हैं। हम सोच रहे हैं वैदिक संस्कृति केवल कर्मकांड है, स्वर्ग भौतिक सुख प्राप्त करना है। तो फिर जब साइंस आ गई तो फिर साइंस ने बताया कि अभी ये अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, हम आपको साइंस के द्वारा सुख दे देंगे, इसलिए मंदिर जान जाइए। केवल भारत में नहीं हुआ है, ये पूरे विश्व में हुआ है। रशिया के अंदर पहले सब क्रिश्चियंस लोग थे, क्रिश्चियंस लोग भी यही कर्मकांडी विचार के ही होते हैं ज्यादातर, मुसलमान भी यही, जन्नत जाना है, हेवन जाना है, हिंदुओं को स्वर्ग जाना है, बात तो यही है। तो वो लोग भी चर्च जाते थे, हर संडे चर्च जाना है, हर रोज चर्च जाना है, है ना। तो वहां पर कम्युनिस्ट लोग जो है वो खड़े हो जाते थे, ब्रेड ब्रेड वहां पर ब्रेड खाते हैं, जैसे रोटी है वहां पर ब्रेड खाते हैं, तो ट्रक भर के ब्रेड लेके आते थे। तो हम लोग जैसे सब जय जगदीश हरे, घर में ये आवे वो आवे मांगते हैं, वैसे वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, चर्च में जाते हैं ए भगवान हमें रोटी देना। तो ये कम्युनिस्ट लोग बाहर खड़े रहते थे, ये लोग चर्च के बाहर आते थे तो इनसे पूछते थे क्या मांगा भगवान से आपने, बोले हमने मांगा ब्रेड, तो बोले मिली तुमको ब्रेड, बोले नहीं अभी तक तो नहीं मिली, तो बोले देखो हमारे पास ऑलरेडी ब्रेड है यहाँ से ले लो, भगवान से मांगा ब्रेड नहीं मिली, हमसे मांगो हम तुमको ब्रेड देंगे, तो कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है भगवान के हम, बोले आप, बोले भगवान को भूल जाओ फिर। तो ऐसे करके चर्च जाना बंद। तो उसी प्रकार से हम लोगों का भी यही हाल हो रहा है, हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान में विश्वास नहीं है, ये सब वैदिक संस्कृति में विश्वास नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने वैदिक संस्कृति या हमारा जो वेद है उसका जो वास्तविक मर्म है उसको नहीं समझे हैं हम, वो है भगवान कृष्ण की भक्ति, और वो है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारे का उपाय, और केवल छुटकारा नहीं बल्कि कृष्ण प्रेम रूप में नित्य सुख का उपाय, जिसके पास साइंटिस्ट का कोई उपाय है ही नहीं, मृत्यु से निकलने का वैज्ञानिकों के पास कोई उपाय न था न है न होगा, यह उनकी क्षमता के बाहर की बात है, जो भगवत गीता दे सकती है, जो वास्तव में वेद जो कह रहे हैं, जो वेद का वास्तविक हेतु है। तो इसलिए हम सभी का ये
परम हित है कि हम भगवद गीता के इस मर्म को समझें कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। ये बहुत ही जगत में चाहे स्वर्ग है वो सबका सुख भी क्षणिक है, इसलिए वो हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। हमारा संतुष्टि केवल एकमात्र नित्य रूप से भगवान की सेवा करने में है। यही आध्यात्मिक जगत है और इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया भगवद्गीता का संदेश है, भागवतम का संदेश है कि भक्ति करना, और भक्ति को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने खुद अपने जीवन से सिखाया कैसे भक्ति करनी है। तो भक्ति के लिए सरल है, अगर हमारे अंदर ये श्रद्धा उत्पन्न हो गई है सुन करके भगवद्गीता के मर्म को कि हाँ अभी हम समझे हैं, हमें सपने से निकलना है, हमें श्री कृष्ण की शरण में जाना है, हमें ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना है। यदि आपके अंदर ये श्रद्धा बैठ रही है और धीरे धीरे और भगवद्गीता पढ़ेंगे सुनेंगे तो और ज़्यादा स्थिर होगी, तो फिर आपके लिए आसान है इस भवबंधन से निकलना। क्योंकि भक्ति की जो क्रिया है वो बहुत सरल है, भक्ति की पद्धति बहुत सरल है। क्या है प्रक्रिया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तीन पहली चीजें हैं। भगवान के विषय में सुनना, भक्तों के मुख से सुनना, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है या जो भगवान का प्रेम जागृत करना चाहते हैं, जो कृष्ण को एक देवी देवता की तरह से नहीं मानते या कर्मकांडी विचारधारा से नहीं पूजा करते कृष्ण की, जो भक्ति भाव से कृष्ण को पूजा करते हैं, उन भक्तों के मुख से भगवद गीता भागवतम नियमित रूप से सुनना, यह भक्ति प्रक्रिया का पहला चरण है, इसको बोलते हैं श्रवणम। और जो भक्त नहीं है, जो भागवत पाठ करते हैं, भगवद गीता पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम या जो भी करते हैं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो समझ है कि इस भौतिक जगत में हमें सुख ढूंढना है, स्वर्ग जाना है और भगवान का नाम इसलिए लेना है जिससे हमको भौतिक सुख मिले, वो भक्त नहीं है, वो अभक्त है। उनके मुख से भगवान का नाम सुनने से, उनके मुख से भागवतम सुनने से हमें भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, ये शास्त्र का निर्देश है। अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम पूतहरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापयम, ये निर्देश है शास्त्र का। जिस प्रकार दूध बहुत अमृत के समान होता है, शरीर को पोषण करने वाला होता है, लेकिन यदि यही दूध जहरीले सांप के द्वारा चख लिया जाए तो भले ही वो दिखने में अभी भी दूध लगेगा लेकिन उसका गुण अभी विष जैसा हो गया, इसलिए उसको पीने से शरीर का पोषण नहीं, शरीर का मरण होगा। उसी प्रकार से हरि कथा अमृत के समान है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकालकर भगवान के चरणों में हमको स्थापित करती है, लेकिन यही हरि कथा यदि अभक्त के मुख से सुन ली जाए तो उससे हमारी जो भी हृदय के थोड़ी बहुत भी भक्ति श्रद्धा थी वो भी नाश हो जाती है और हृदय के अंदर वही भौतिक कामनाएं और बढ़ती हैं। इसलिए इतना सारे भागवत कथा सुनने पर भी, सामान्य रूप से जो कथाएं जिसमें कि हेतु है पुण्य कमाना, उनको सुनने पर भी श्रोताओं के और वक्ता के हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं उपजती है, भौतिक जगत की आसक्ति नहीं कटती है, भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा नहीं कटती है, निस्वार्थ भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा नहीं पनपती है, क्योंकि उनका वो सर्पोच्चिष्टम यथापयम जैसा है ना। तो इससे पहला जो चरण है श्रवणम, भक्तों के मुख से श्रवणम, ये पहली क्रिया है। और दूसरा है फिर कीर्तनम, हम पहले सुने और फिर जो सुना है उसको अन्यों के लाभ के लिए और स्वयं के लाभ के लिए बोलें। कीर्तनम, जैसे भागवतम जब कथा हुई तो परीक्षित महाराज ने श्रवण किया और सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, तो ये श्रवण कीर्तन करना है। और फिर स्मरणम, श्रवणम कीर्तन करते करते धीरे धीरे जैसे जैसे मन शुद्ध होगा तो मन के अंदर भगवान के विचार स्थिर हो जाएंगे, भगवान के रूप नाम रूप गुण ये सब स्मरण में आ जाएंगे। और फिर अन्य विधियां हैं, अर्च विग्रह सेवन है, भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान की स्तुतियां करना है, और मित्रवत भगवान की सेवा करना है, दास रूप में भगवान की सेवा करना है, और अंत में अपना सर्वस्व भगवान को न्योछावर करना है। और इसके साथ साथ इस जगत में है तो शरीर का
के लिए भी कुछ पालन पोषण करने का कार्य करना है, घर के कार्य हैं, जो भी शरीर संबंधी हैं, समाज संबंधी हैं, लेकिन वो सब कार्य इसी हेतु से होने चाहिए कि जिससे ये शरीर स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे, जिससे कि हम इस शरीर से भगवान की सेवा कर पाएं, ये समाज से भगवान की सेवा हो, परिवार के सभी जनों का पालन पोषण इसीलिए जिससे परिवार के सभी जन हरिनाम ले सकें, भगवान की सेवा कर सकें। अगर ये शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाए तो ये शरीर को हष्ट पुष्ट रखना व्यर्थ है। हाथी भी बहुत बलिष्ठ है, क्या फायदा है? हाथी बनने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, जानवर है। तो अगर हम जिम जा रहे हैं, आजकल सब लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं, जिम जाते हैं, ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप उस स्वस्थ शरीर से भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो स्वस्थ आपका रहना और हाथी का स्वस्थ रहना उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। इसीलिए आप अपने घर के कार्य, घर की सफाई रख रहे हैं, बच्चों के लिए लालन पालन के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, खूब पैसा कमा करके बच्चों के लिए व्यवस्था की है, बच्चों को ये होगा, सबको अच्छे से मिलेगा, लेकिन अगर वो बच्चे को आपने भगवान की सेवा करने की शिक्षा नहीं दी है तो आपका उनको लालन पालन करना एक जानवर के अपने बच्चे को लालन पालन करने से कैसे श्रेष्ठ हुआ? लालन पालन तो गाय भी करती है। एक गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो बछड़े के पास में कोई नहीं आ सकता है। तो हम भी अपने बच्चों की बहुत रक्षा करते हैं, तो हम में और गाय में क्या अंतर हुआ? यदि उद्देश्य कृष्ण सेवा नहीं है तो, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन तो जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं, खाना, सोना, संतान उत्पत्ति करना और अपना बचाव करना, जानवर भी करते हैं सब। अगर यही चार क्रियाएं हमें करनी है, स्मार्टफोन रख करके, कार रख करके, बंगला बना करके, तो क्या हम जानवरों से अलग हो गए? एक चिड़िया के लिए जो उसका घोंसला है वो उसके लिए 5-star होटल की तरह से है, करेक्ट? आप उसको 5-star होटल में ले जाके दिखाइए, वो अच्छा लगेगा उसको, उसका वो घोंसला अच्छा लगेगा उसको, उसके लिए वो 5-star होटल की तरह से। तो हमारा अगर अभी हम सोच रहे हैं कि हमने अभी हमारे गांव का विकास हो रहा है, हमारे गांव में 5-star होटल आ गया है, तो ये क्या विकास है? चेतना तो वही पक्षी ऐसी है, हर पक्षी को, हर जानवर को एक घर चाहिए, हमें भी एक घर चाहिए, तो घर बनाना कोई क्या बड़ी बात है? वो तो पार्श्विक वृत्ति ही है, सब जानवरों को खाना चाहिए, हमको भी खाना चाहिए, वो तो पार्श्विक वृत्ति है। हम अगर गर्व करते हैं, हम इतना हमने कमाया, हमारे बच्चों को खाने की कभी कमी नहीं हुई, आने वाली पुश्तें भी खाती रहेंगी, क्या बड़ी बात है? जानवर भी सब खाने का प्रबंध करते हैं, है ना? तो इसीलिए ये बात को समझना कि मनुष्य जीवन के अंदर हमारी एकमात्र सार्थकता है कि हम अपने सभी दैनिक कार्यों को भगवान के साथ जोड़ें। खाने की मनाही नहीं है, खाना आवश्यक है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, बच्चों का ध्यान रखना है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, शास्त्र मना नहीं कर रहे, गृहस्थ आश्रम है, भगवान ने बनाया है, लेकिन गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य नहीं है केवल बच्चों को खाना पिना करके मोटा तगड़ा कर देना, बस वो गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य नहीं है। गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य है बच्चों खाना लालन पालन करना है, और इसलिए जिससे कि वो भगवान की भक्ति करने के लिए उस शरीर का उपयोग कर सकें, इसलिए। तो इस तरह से ये भक्ति मार्ग सरल है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, अनर्थ छोड़ने हैं, ये सब पापमय क्रियाएं जो आज हमें ये पाश्चात्य सभ्यता सिखा रही है, टीवी, फिल्म, गाने और ड्रग्स, शराब, नशा, ये असम में सब लोग हम चाय उगाते हैं, ये ब्रिटिश लोगों ने हमको सिखाया है, हम लोग संस्कृति में दूध पीते थे, ये शराब या ये सब नशा करने वाली चीज़ें ये हमारी संस्कृति नहीं, ये पाप कर्म है, तो इनको छोड़ना चाहिए, है ना? तो ये हमारे संस्कृति रही है, ये हमारे गांव थे, आज गांव तो गांव नहीं रहे, वो भी सब शहर जैसे बर्बाद हो गए हैं, हर घर में टीवी है, डिश एंटीना, डिश एंटीना पुराने हो गए, सब स्मार्टफोन है सबके घर में, स्मार्टफोन्स, और स्मार्टफोन के अंदर बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सब लोग पूरे संसार का कचरा देखते हैं, अश्लील दृश्य देखते हैं, तो वो क्या उससे लाभ होगा? चरित्र हनन, शांति हनन, पैसे का हनन,
सब कुछ हनन है उससे, कोई अच्छा कोई शुभ नहीं है उससे। लेकिन हम लोग बंदर की तरह से नकल करके जो भी पाश्चात्य जगत के लोग हमको देते हैं वो हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने हमको ये पैंट शर्ट पहनना सिखा दिया, माताओं को भी स्त्रियों को भी जीन्स टी शर्ट पहनना सिखा दिया, है ना। जो वैदिक संस्कृति में स्त्रियां जो है साड़ी पहनती थी, क्योंकि ये शरीर है इसको ढकना है, इस तरह से ढकना है जिससे कि स्त्री पुरुष आकर्षण ना हो, क्योंकि अगर स्त्री पुरुष आकर्षण अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा तो फिर ये काम क्रोध में ही हमारा पूरा जीवन तो खत्म हो जाएगा, ये भगवद्गीता समय में नहीं आएगी। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेत साम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधव ना विधीयते। ये जो हमने श्लोक पढ़ा उसका अर्थ है जिसकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में भ्रष्ट हो गई है वो कभी भी मुझे नहीं समझ सकता, भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो ये पोशाक वैदिक संस्कृति की इस प्रकार से बनाई गई है जिससे कि ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है ये कंट्रोल में रहे। लेकिन पाश्चात्य जगत में तो ये पता ही नहीं है, उनका तो जीवन का लक्ष्य है जानवर की तरह से बंदर की तरह से नाचना है, और हम लोग उनकी नकल करके वैसे ही कपड़े हम पहनते हैं। जो फिल्म आती है जो हीरो हीरोइन जो वैश्या है उनको देख करके हम अपने फैशन मॉडल बनाते हैं, अपनी घर की लड़कियों को कन्याओं को हम वो कपड़े पहनाते हैं जो वहाँ वो वैश्या पहनती हैं, और हम इसमें गर्व का अनुभव करते हैं। ये क्या हमारी संस्कृति है, हमें क्या हो गया है, हम पागल क्यों हो गए हैं। तो कृपया थोड़ा विचार कीजिए, आप लोग सब सुसंस्कृत सभ्यता के हैं, आर्यन हैं, हमारे ये सब कृष्णा यहाँ इस जमीन में आए हैं, अर्जुन इतने महान लोग, और हम लोग ये पाश्चात्य सभ्यता की नकल करके सब कुछ सत्यानाश कर रहे हैं। पाश्चात्य जगत की सारी समस्याएं हैं वो आ रही हैं, परिवार में पति पत्नी साथ नहीं रह सकते हैं, झगड़े होते हैं, क्या है ये सब, क्यों हम ये सब नकल कर रहे हैं। तो ये भगवद्गीता का, ये भगवद्गीता का प्राथमिक संदेश है। वास्तव में भगवद्गीता का संदेश बहुत ऊंचा है, लेकिन वो ऊंचाई पे कब पहुंचेंगे, जब ये निम्न चीजों को भी हम नहीं पालन करेंगे। तो इसलिए हम ये जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, इस्कॉन जो ये संस्था है वो मनोरंजन करने के लिए नहीं है। इसलिए हमारी कथा में ये बहुत आपके कानों को सुनने में अच्छा लगे, हाँ कुछ कथा हो गई, कुछ कीर्तन हो गया, मन को बड़ा बढ़िया लगा है, एंजॉय, मना मजा आ गया आज, तो ये मजा देने के लिए हमारा काम नहीं है। वास्तविक मजा देना चाहते हैं आपको, वो वास्तविक मजा है कृष्ण सेवा में, लेकिन ये ढोंग झूठा मजा नहीं देना चाहते इंद्रिय भोग का, ठीक है। तो ये अंतर है, इसलिए ये अंतर है लेकिन ये वास्तविकता है। तो कृपया करके आप इसको गंभीरता से लीजिए, इस आंदोलन को, ये आपका वास्तविक हित करने वाला है, ये भगवद्गीता की शुद्ध इच्छाएं हैं, भागवतम की शुद्ध इच्छाएं हैं, आप कृपया गंभीरता से लीजिए। ये पुस्तकें बाहर लगी है आज भी बुक टेबल, तो वो बुक टेबल है, पढ़िए, पुस्तकें ग्रंथ हैं ये सब, भगवद्गीता यथारूप है, भागवतम है, ये सब ग्रंथ पढ़िए नियमित रूप से, और यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम भी होता है हर कौन से दिन, उसकी सूचना आपको दी जाएगी, उसमें आइए, इसको अपनाइए। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। तो अभी प्रश्न उत्तर होगा, तो मैं चाहता हूँ कोई प्रश्न करे और प्रभु जी उत्तर देंगे। किसका पहला प्रश्न है, आपका? वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवता और भगवान में क्या फर्क है? देवता और भगवान में क्या अंतर है? बैठिए। एक प्राइम मिनिस्टर है और एक होम मिनिस्टर, अलग अलग रिवेन्यू मिनिस्टर एक सरकार के अंतर्गत होते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है इसको चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। बारिश आती है उसको नियंत्रण करने वाले एक अधिकारी चाहिए ना, आपके घर में लाइट आती है तो एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जिसने सब व्यवस्था करी है कैसे लाइट आप तक पहुंचे, उसका फिर आपको टैक्स भी देना होता है। तो उसी प्रकार से हर दिन सूरज आता है, हमको प्रकाश मिलता है, हमको वर्षा के द्वारा बारिश मिलती है, वायु, ये सब से हमारा जीवन चलता है। तो ये सब की व्यवस्था करने के लिए जो अधिकारी गण हैं उनको देवता कहते हैं, और भगवान हैं जो देवता मनुष्य भौतिक जगत सबके आदि उद्गम हैं, स्रोत हैं, उनको भगवान कहते हैं।
तो देवतागण सभी भगवान के निर्देशन में इस भौतिक जगत का संचालन करने का कार्य करते हैं। भगवान ये भौतिक जगत बनाते हैं हम जैसे कैदियों के लिए, जो भगवान को भूल करके जेल में आए हैं। तो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, भगवान शुद्ध भक्तों के साथ में लीला विलास करते हैं। ये अंतर है भगवान में और देवताओं में। यस, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, शास्त्र में ऐसा है कि पहले जो राजा लोग थे भक्ति भी करते थे और जंगल में शिकार करने के लिए भी जाते थे। हाँ प्रभु जी, ऐसा क्यों था? मतलब जो शिकार करते थे, मतलब क्योंकि हम लोग जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो जीव हिंसा करने के लिए मना करते हैं। तो प्रश्न है कि राजा लोग शिकार क्यों करते थे? तो शास्त्रों में वर्णन है इसका, क्योंकि जैसे मिलिट्री है, मिलिट्री में जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे मारना है, डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं कैसे ऑपरेशन करना है। तो हम लोग मेडिकल में मरे हुए मुर्दों के ऊपर ट्रेनिंग लेते हैं। तो मारने के लिए वो प्रशिक्षण और वो शौर्य, उसके कल्टीवेशन के लिए राजा गण वो आखेट करने जाते थे, और आखेट में भी हिंसक पशुओं जैसे शेर, बाघ, चीता, इनका शिकार करने जाते थे। ऐसा नहीं कि बकरी को मारने पर, बकरी को तो कोई मार सकता है, उसके लिए क्षत्रिय की जरूरत नहीं है, तो और उससे कोई वीर्यता नहीं आएगी। तो क्षत्रियों का शिकार की बात है, हिंसक पशु, और वो हिंसक पशु कई बार गांव में घुस करके लोगों को, समाज लोगों को भी परेशान करते हैं। तो इस बहाने दोनों काम होते हैं, जनता की भी रक्षा होती है हिंसक पशुओं से और उनका ट्रेनिंग भी होता है। ये मुख्य हेतु है शिकार का। गौण हेतु है कि अगर कोई राजा, सभी राजा तो ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्ति ही होंगे, राजा के भी अलग अलग स्तर हैं। तो अगर कोई राजा है या प्रजा के लिए भी वो है, कोई मांस खाने का आदि है अत्यंत, उसको मांस के बिना रह ही नहीं सकता है, तो उसके लिए शास्त्रों में प्रावधान है। कैसे? काली को अमावस्या की रात को इस प्रकार से कोई निम्न जानवर को बलि दे करके उसको खाया जा सकता है नियमों के अंतर्गत। वो इसलिए है जिससे कि धीरे धीरे वो मांस खाने की प्रवृत्ति कम हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, केवल एक ही दिन खाना है ना, ऐसा ऐसा बहुत सारे नियम हैं। तो इसलिए जिससे कि वो नियमों के द्वारा धीरे धीरे उनकी शुद्धि हो, ना कि उसको बढ़ावा देने के लिए है वो, तो इस उद्देश्य से ये शिकार का है। शास्त्रों में ये सब चीज़ें उसको एंकरेज, उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं है, उसको हटाने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हमें श्री कृष्ण का भक्त होना है, सेवक बनना है, लेकिन ये जो यज्ञ होता है, श्री कृष्ण का जो यज्ञ कुंड होता है, जो हमादि होता है, वो इस्कॉन धर्मानुसार क्यों नहीं होता है, ये हम जानने चाहते हैं। तो यज्ञ प्रश्न है कि इस्कॉन में जो हवन रूप में जो यज्ञ होता है, अग्नि प्रज्वलित करना, आहुतियाँ डालना, इस प्रकार का यज्ञ क्यों नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में ऐसा यज्ञ नहीं होता है, लेकिन इस्कॉन में प्रचुर मात्रा में हरि नाम संकीर्तन यज्ञ होता है, जो कलियुग का मुख्य यज्ञ विधि है। तो यज्ञ का मूल अर्थ है भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कुछ त्याग करना। आप नीचे बैठिए। हरे कृष्णा। अभी फोटो लेने का टाइम नहीं है, अभी सुनने का समय। तो यज्ञो वही विष्णु,
तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रोन्मोदित कार्य करना वो यज्ञ का मूल अर्थ है। अब उसके अलग अलग प्रकार हैं, अग्नि प्रज्वलित करके उसमें विष्णु को आह्वान करके, देवताओं का आह्वान, विष्णु का आह्वान करके उसमें हम यज्ञ के अंदर सामग्री डालते हैं अग्नि के माध्यम से, अंततः भगवान विष्णु उसको स्वीकार करते हैं। वो एक तरीका है यज्ञ विष्णु यज्ञ करने का, विष्णु को अपने चीज़ों को समर्पित करने का। कलयुग के अंदर यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ विधि संकीर्तन यज्ञ बताई गई है, क्योंकि अलग अलग युगों में अलग अलग पद्धति है जो संभव है करना यज्ञ के लिए। तो कृतयत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञम अखई द्वापरे परिचर्याम कलौ तधरि कीर्तनात्। तो कृतयुग में ध्यान योग ध्यान यज्ञ विधि प्राथमिक विधि थी, द्वापर युग में जो आप अलग अलग प्रकार के हवन इत्यादि करने की विधि मुख्य रूप से त्रेता युग के लिए है, द्वापर युग में अर्च विग्रह सेवन और कलयुग के अंदर हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि हवन करने के लिए जो सामग्री भी चाहिए शुद्ध घी इत्यादि कलयुग में वो प्राप्त करना भी मुश्किल है, खाने के लिए घी नहीं है अग्नि में देने के लिए घी कहाँ से आएगा, है ना। वास्तव में अगर हम यज्ञ करना चाहें शुद्ध रूप से सही प्रकार से तो उसकी सामग्री का भी अभाव है, और उस प्रकार के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ब्राह्मण और उनके चरित्र जो शुद्ध हो ऐसे ब्राह्मणों का भी अभाव है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि ब्राह्मण लोग बीड़ी पीते हैं और यज्ञ में बैठ करके पहले यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसी से बीड़ी सुलगाते हैं। तो फिर ऐसा यज्ञ करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। तो इसीलिए कलयुग में भगवान ने जो यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जिसकी संस्तुति की है वो है हरिनाम यज्ञ। इसलिए अग्नि यज्ञ भी होता है लेकिन साथ साथ हरिनाम यज्ञ जरूर होना चाहिए, और अगर हरिनाम यज्ञ कर पा रहे हैं बाकी नहीं कर पा रहे हैं तो भी कुछ लॉस नहीं है। अगर हमने सम्यक रूप से भगवान के हरिनाम के रूप में यज्ञ किया है तो बाकी सब ये उसके अंदर निहित हो गए, तो इससे उसमें कोई लॉस नहीं है अगर हम नहीं कर पाते हैं तो। और किसी का प्रश्न? अच्छा आप ही। हरे कृष्णा, मेरा नाम है गोपाल दास और मेरा घर है काली बता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो ब्राह्मण लोग है वो लोग यहाँ पे आते हैं और कथा भी सुनते हैं, तो भगवान का जो प्रसाद होता है वो प्रसाद वो लोग नहीं लेते, क्यों नहीं लेते उसमें? वो तो आप उनसे पूछिए, वो हमसे क्यों पूछ रहे हैं, वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। हम तो नहीं बोले कि आप मत लो, हम तो सबके लिए बोले आप आइए सब लोग प्रसाद लीजिए, भगवान का प्रसाद सबको लेना चाहिए। अब वो नहीं लेते आप उनसे पूछिए, अब बताइए फिर क्यों लेते हैं? लेना चाहिए थे कि क्योंकि उनको क्या गलती है उसमें, वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। हरे कृष्ण, और किसी का प्रश्न है? आप अच्छा आप आगे आ जाइए थोड़ा, अब माता जी पूछेंगे। अच्छा एक माता बहुत सारा प्रभु जी पूछ ले, माता जी एक पूछेंगे। और किसी का प्रश्न तो मन में सोचते रहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, मुझे मैं अपने और से पूछना चाहती हूँ जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, जिसके लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। श्रीमद् भागवत गीतामृत का जो पुस्तक है और कोमल गीता जो है, ये दो अलग अलग है या एक ही है, मुझे वो जानना है। कोमल गीता जी, ये दो मैंने जो देखा है पुस्तक हमारे मायके में है जो कोमल गीता है, और ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, ये दो अलग अलग चीज है या एक ही चीज का दोनों? कोमल गीता मुझे नहीं पता, आपको पता है क्या है बताइए माइक। आप बताइए। हरे कृष्ण, तो बात माता जी का प्रश्न है कि भगवद गीता और कोमल गीता में क्या फर्क है? तो कोमल गीता एक ऐसी पुस्तक है जो भगवद गीता के जो श्लोक है मूल श्लोक उसका नेपाली लोक भाषा में अनुवाद है, इतना फर्क है उसमें, दो श्लोक नहीं है और यथारूप नहीं है। तो हमें जो संस्कृत श्लोक नहीं है तो सही क्या है गलत क्या है वो हम अलग नहीं कर पाते हैं। तो गुरु परंपरा से नहीं है क्योंकि
जो लिखने वाले व्यक्ति का नाम कोमल है, इसलिए उसने आगे अपना नाम रखे कोमल गीता कर दिया है, जो भगवद गीता उसका प्रमुख नाम है। यही फर्क है। अच्छा, और एक प्रश्न तो कौन था आप है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैंने कक्षा आठवीं में पाया था जो पहले इंसान बंदर था, यह क्या सच है? लगता तो है देखने से कि आज बंदर है आदमी। अरे कलाप्सित ऐसा लगता है। पहले इंसान बंदर था या? पहले तो मैं सोचता था कि नहीं है, लेकिन अभी लगता है पूर्वज नहीं, आज तो वर्तमान में बंदर होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी तो। उल्टा हो गया थ्योरी। भगवान दिखते क्यों? तो जो ये वाद है इसको डार्विन वाद कहते हैं, जो आपने पढ़ा, जिसके अनुसार हम सभी जो अलग अलग योनियां देख रहे हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं इत्यादि, वो सभी एक ही योनि, एक ही स्पीसीज बोलते हैं उसको उस भाषा में, एक ही रूप से उत्क्रामंती होकर के बन गए हैं अपने आप, प्रकृति के नियमों के माध्यम से मात्र। ऐसा नहीं कि भगवान जैसे किसी व्यक्ति ने अलग अलग डिजाइन किया है, सबको बनाया है, वो एक से अपने आप अलग अलग रूप बन गया, और वो एक कैसे बना? अंततः वो रसायनों से बना। तो अंत में उनके उस वाद के अनुसार आप क्या हैं? कार्बन, कुछ नाइट्रोजन, आयन, ऐसे कुछ रसायन का आप पुंज हैं उनके अनुसार, जो आपने पढ़ा उस थ्योरी के अनुसार। तो आप निर्णय लीजिए कि यदि हम सब लोग ऐसे केवल रसायन हैं, रसायन सब जगह, ये सब जमीन है, सब जगह रसायन होते हैं। केमिस्ट्री की लैब में जाएंगे आप तो वहाँ बहुत सारे रसायन हैं, अलग अलग बॉटल के अंदर भरे रहते हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपने जो पढ़ा उनके अनुसार आप में और वो बॉटल में भरे हुए उस रसायन में कोई अंतर नहीं है, करेक्ट? तो क्या आपको ये बात सही लगती है? तो अगर वो रसायन की बॉटल टूट जाती है तो उसमें किसी को कोई इतनी परेशानी नहीं होती है ना, अरे बॉटल टूट गई, रसायन गिर गया, क्या हो गया? तो अगर आप वही रसायन जैसे ही हैं, तो अगर आप मर जाएं, आपको कोई मार दे, तो क्या बड़ी बात है? जैसे रसायन की बोतल में से रसायन गिर गया तो क्या बड़ी बात है, है ना? लेकिन क्या ऐसा है? क्या हम कॉमन सेंस से ऐसा अनुभव करते हैं कि यस हम केवल रसायन हैं, कोई किसी को मारो, कुछ भी करो, क्योंकि ये तो रसायन इधर उधर हुए, कोई अंतर नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोई व्यक्ति बीमार होता है, हमारा कोई हितैषी मित्र, तुरंत हम जाते हैं हॉस्पिटल, है ना? एक कार में बैठा हुआ है आपका कोई रिलेटिव, एक्सीडेंट होता है, बहुत महंगी कार थी, ओडी 1 करोड़ की, ठीक है, और आपका मित्र बैठा हुआ है, उस वैज्ञानिक के अनुसार जो आपने पढ़ा, वो जो आदमी आपका जो मित्र है वो रसायन है, और वो जो कार है वो भी रसायन है। वो जो आदमी बैठा है उसके रसायन की वैल्यू अगर मार्केट में जाएंगे बेचने के लिए, कार्बन जो सब निकाल निकाल के, तो आपको 500,000 रुपये मिलेंगे बस, और ओडी है 1 करोड़ की। तो अगर एक्सीडेंट होता है आपके मित्र का या किसी जानने वाले का, कार को भी चोट लगती है, मित्र को भी चोट लगती है, तो आप पहले कार को गैराज में लेके जाएंगे रिपेयर कराने के लिए, या अपने मित्र को हॉस्पिटल लेके जाएंगे? वो साइंटिस्ट जो है, और अगर आप उसको पालन कर रहे हैं, तो आप पहले ओडी को लेके जाएंगे गैराज में, बोला तुम वेट करो, तुम्हारा मूल्य 500 रुपये, ओडी 1 करोड़ की, पहले मैं 1 करोड़ की गाड़ी को लेके जाऊंगा गैराज में, उसको ठीक कराऊंगा, तुम्हारा तो 500 रुपये की, तुम्हारी कीमत केवल 500 रुपये है, तो ये पागलपन है ना। तो इसीलिए जो हमें पढ़ाया गया 8वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, और जितना ज़्यादा आगे जो पढ़ता है उतना ही पागलपन पढ़ता है, जो PhD मतलब महापागल, सॉरी मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ज़्यादा जो हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा उल्टा सीधा पढ़ते हैं, क्योंकि ये
जो उनका खुद का ज्ञान हमेशा बदलता रहता है, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं। एक समय था जब बताते थे कि एटम एक स्थाई चीज़ है, अभी बोलते हैं एटम स्थाई चीज़ नहीं है, वेव पैटर्न है, पार्टिकल और वेव दोनों में आपस में बदलते रहते हैं। तो उनको देख करके वो साइंटिस्ट लोग डेफिनेटली उनके पिताजी कहीं ना कहीं पूर्वज बंदर रहे होंगे, ऐसा लगता तो है, देखने से उनका व्यवहार देखने से लगता है ऐसा। बाकी शास्त्रों के अनुसार और जो वैदिक संस्कृत रहते हैं उनके तो पूर्वज बंदर नहीं थे, उनके पूर्वज तो श्री कृष्ण थे, राम थे, वो आपको बंदर दिखते हैं राम, और ये सब जो इतने महान महान ग्रंथ और ये सब विज्ञान जो आज के लोग भी, आज के साइंस के लोग साइंटिफिक एडवांसमेंट के बाद भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसे ज्ञान को हजारों लाखों साल पहले देने वाले लोग बंदर कैसे हो सकते हैं। संस्कृत भाषा अपने आप में इतनी उन्नत भाषा है जो सभी, बहुत साइंटिफिक भाषा है, बहुत सुदृढ़ भाषा है, तो वो बंदरों की भाषा लिखती है हमको, हाँ तो ऐसा सोचने वाले लोग बंदर ही होंगे, वो तो सही बात है। हरे कृष्णा। एक गुरु जी, भगवान दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी आंखें खराब हैं इसलिए, तो आप अपनी आंखों को ठीक कराना चाहते हैं। हाँ। तो इसलिए आप भगवद गीता पढ़िए, सुनिए धीरे धीरे, सत्संग कीजिए, हरिनाम लीजिए, जैसे जैसे आपकी आंखें ठीक होंगी वैसे वैसे आप भगवान को देख पाएंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जो लोग मांस खाते हैं, एक चलते फिरते जीव को जो काट कर खाते हैं, और दूसरे ओर जो फ्रूट्स खाते हैं या साग सब्जी खाते हैं, तो माना जाता है कि वो एक पौधे में भी जीव है। हाँ। तो उनको काट कर खाना, हाँ, और एक पशुओं को काट कर खाना में, हाँ, क्या अंतर है? प्रश्न है कि भाई पौधे में भी तो जीवन है, जानवर में भी जीवन है, तो दोनों में क्या अंतर है? तो मेरा प्रश्न आपसे है, जानवर में भी जीवन है और हमारे बच्चे में भी जीवन है, तो दोनों को मार के खाने में क्या अंतर है? प्रश्न समझ में आया? अगर आप केवल यही सोच रहे हैं कि भाई पौधे में भी जीवन है और जानवर में भी जीवन है तो एक ही चीज हो गई, तो मेरा प्रश्न आपसे है, तो जानवर में भी जीवन है और हमारे संतान में भी जीवन है, एक मनुष्य में भी जीवन है, करेक्ट? तो फिर मनुष्य को मारने में और जानवर को मारने में क्या अंतर है? तो अगर जानवर को मार सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार कि पौधों में भी जीवन है, तो फिर मनुष्यों को मार के भी खा सकते हैं, तो इसलिए अंतर क्या है? हमारे लिए क्या भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है खाने के लिए, वो विचार है। शेर भी खाता है जानवरों को, उसका वो आहार है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं उनको अनावश्यक जीवा संतुष्टि के लिए जानवरों को खाने से उनकी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग रुक जाएगा, ये अंतर है। पौधों के खाने के लिए, खाने से, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान ने बनाए, क्योंकि उसमें कम से कम हिंसा से हम अपना पेट भर सकते हैं। पौधों में जब हम उनको मारते हैं, बहुत सारी चीज़ तो पौधे अपने आप नेचुरल डेथ मरते हैं, तब हम उसका जा करके बीज लेते हैं, जैसे धान है, धान पकने पर हम काटते हैं, गेहूं पकने पर काटा जाता है, तो मूंग दाल सब चीज़ जो है वो उसका समय होता है ना, पौधे का अपना जीवन, वो आयु जीवन समाप्त होने पर फिर उसको काटा जाता है। दूसरी बात, उसमें भी फिर भी कुछ तो हिंसा होगी, बिना हिंसा किए तो संभव नहीं है जीवन, लेकिन वो हिंसा कम से कम हो, शास्त्र के अनुसार जिसका जो खाने को बताया गया है भगवान ने उसके अनुसार हो, तो फिर हमें वो पाप कर्म में हम लिप्त नहीं होंगे, जिससे हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगी। तो ये कारण है कि शास्त्रों में भगवान हमको, मनुष्यों को ये खाने को बताते। और दूसरी चीज, भक्तगण तो केवल वेजिटेरियन नहीं है, भक्तगण तो केवल प्रसाद खाते हैं, ये सब सर्वश्रेष्ठ है कि हर चीज़ भगवान को अर्पित की जाए। तो अभी भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान को क्या चाहिए वो जानना होगा,
तो भगवान पसंद नहीं करते जानवर खाना। भगवान भगवत गीता बताते हैं उन्हें क्या पसंद है। तो हम भगवान को भगवान का प्रसाद ही खाएंगे, तो इसलिए हम भगवान को वही अर्पित करेंगे जो भगवान को चाहिए। अगर भगवान बोलते मुझे नॉनवेज अर्पित कर दो, हम नॉनवेज भी अर्पित करते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं बोला। तो ये एक और कारण है कि भक्तगण क्यों ये नॉनवेज चीज़ें नहीं लेते हैं, क्योंकि भगवान उसको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान नहीं कहते हैं कि वो मुझे आप अर्पित कीजिए। हरे कृष्ण। एक अंतिम प्रश्न, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिव पुराण, दुर्गा सप्ताह और भागवत गीता। शिव पुराण में शिव के लिए प्रसाद ही चढ़ाया जाता है नशा ऐसे की भांग धतु, और दुर्गा सप्ताह में दुर्गा के लिए बलि दी जाती है, और भागवत गीता में फलमूल का प्रसादी चढ़ाते हैं। तो जब भक्तों लोग प्रसादी चढ़ाते हैं तो भगवान को प्रसादी चढ़ाकर उसको अपने प्रसादी ले लेते हैं। अब शिव पुराण में जैसे भाग धतुर चढ़ाते, क्या भक्तों लोग भांग धतुर खाएं? और दुर्गा चंडी में तो उनको बलि देने की विधान है, तो बलि अगर जीव जंतु की दी जाती है तो वो प्रसादी लेना भक्तों की गलत है क्या? यही मेरी प्रश्न। तो भक्त जब हम बोलते हैं, भक्त मतलब कृष्ण भक्त। देवी देवताओं के जो तथाकथित भक्त हैं, स्ट्रिक्ट सेंस में उनको भक्त नहीं कहा जाता, उनको अभक्त कहा जाता है। भक्त मतलब जो कृष्ण के अनुसार माम एकम शरणम व्रजा, भगवान कृष्ण के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। देवी देवताओं को सम्मान देता है भक्त, जानते हुए कि देवी देवतागण भगवान के एक अधिकारी हैं, लेकिन उसके साथ जो सेवा का संबंध है, प्रेम का संबंध जो स्थापित करता करना है, वो कृष्ण के साथ ही होना है, इसलिए उसको भक्त कहते हैं। देवी देवताओं के उपासक वो पूजा करते हैं, वहाँ पर भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति का अर्थ है जहाँ निस्वार्थ भाव से भगवान से जो हमारे आदि उद्गम है उनसे प्रेम स्थापित करने की बात को भजन या भक्ति कहते हैं। देवी देवताओं के पूजक देवताओं से भौतिक लाभ मांगने के हेतु उनकी पूजा करते हैं, और देवी देवतागण का कार्य नहीं है या उनका स्वभाव नहीं है कि वो, क्योंकि वो हमारे आदि मूल नहीं है। हमारा जो प्रेम का संबंध है वो जिस प्रकार कृष्ण के साथ है उनके साथ नहीं है, तो इसलिए वो जो प्रेम का सेवा का संबंध है वो तो कृष्ण के साथ ही है। जैसे एक पत्नी है तो उसका जो पति है वो पत्नी का पति के साथ विशेष दाम्पत्य संबंध है, पति के अन्य मित्र हैं, संबंधी गण हैं, उनका सम्मान वो करती है, पर वो पति के साथ संबंध जैसा बाकी का संबंध नहीं है। तो उसी प्रकार से भक्त का भगवान के साथ जो प्रेममय सेवा का संबंध है वो केवल कृष्ण या जो भी विष्णु तत्व हैं, विष्णु राम, उनका और जीव के बीच में ही संभव है। जो देवी देवता गण हैं उनका वो स्वरूप नहीं है कि वो लोगों से, जीवों से भक्ति स्वीकार करें, क्योंकि वो खुद या तो जीव के स्तर पर हैं, बहुत सारे देवतागण जीव की कैटेगरी में हैं, चंद्र इंद्र, लेकिन पुण्यशाली जीव हैं। और शिव जो हैं वो महादेव हैं देवताओं में, वो ना शिव तत्व ना विष्णु तत्व है ना जीव तत्व है, बीच में है। वो उनका विशेष कार्य है कि जो तमोगुण में जीव हैं उनको वश में करके धीरे 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 भगवान विष्णु की भक्ति की तरफ मोड़ना। इसलिए आप देखिए शिव जी के अनुचर भूत प्रेत पिशाच ये सब उनके अनुचर होते हैं, जो लोग मांस भांग यही सब खाते हैं, इसलिए शिव जी वो नहीं खाते हैं, वो लोग खाने के आदि हैं, इसलिए वो यही चीज शिव जी को अर्पित करके यही चीज प्रसाद रूप में खाते हैं। तो तामसिक लोगों के लिए ये बताया है क्योंकि उनके लिए और कोई उपाय नहीं है, वो और कुछ आगे नहीं करना चाहते हैं, इसलिए। तो धीरे धीरे क्रमिक विकास होगा, जब सत्वगुण में आएंगे तब फिर विष्णु को समझेंगे, फिर विष्णु को समर्पित होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये अलग अलग जो पुराण हैं, रजोगुण तमोगुण रजोगुण सतोगुण, 18 पुराण में 6 6 6, सात्विक लोगों के लिए, राजसिक लोगों के लिए, तामसिक लोगों के लिए, उत्तरोत्तर उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए है। तो इसलिए जो भागवत विधि है वो सर्वश्रेष्ठ शुद्ध सत्व गुण पे ले जाने के लिए है। तो जो लोग उसके लिए तैयार हैं फिर उनके लिए फिर वो देवी देवताओं की पूजा करना, हिंसा करना, भांग खाना वो वर्जित है, नहीं तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा।
लेकिन जो तमोगुण में है कृष्ण भगवान, वो समझना उनके बस की में नहीं है, वो नहीं, श्रद्धा नहीं बैठ रही है, ठीक है, तो उनके लिए ये विधि है। धीरे 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 कई कई जन्मों में जा करके उनका कुछ शुद्धि होगा यदि सही प्रकार से पालन करेंगे तो। तो इसलिए अगर हम समझ रहे हैं कि अंत में तो हमें वहाँ जाना है कृष्ण सेवा में, तो फिर हमें ये सब चीज़ करनी जरूरत नहीं है। हम कृष्ण की आराधना करें, कृष्ण को पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पित करें और सात्विक चीज़ें अर्पित करके प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करें, इससे हमारी भक्ति प्रशस्त होगी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा।